नमस्कार दोस्तों, चैन साथियों। तो साथियों, जो हमारा यह दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना हुआ था, वो धरना अभी भी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ पर अभी हमारे जो ब्राट सर हैं कमांडो एकेडमी के, और ये जितेंद्र जी हैं अपना इंदौर फिजिकल एकेडमी के, और काफ़ी और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्टेटों से डिस्ट्रिक्टों से वहाँ पर लोग आए हुए हैं। धरना अभी चालू है क्योंकि जिस चीज़ के लिए धरना धरा गया था वहाँ पर, ये आंदोलन किया गया है कि वह मुद्दा हासिल हुआ नहीं है। नंबर एक तो क्या है कि वहाँ पर अभी जैसे क्या है, जो धरना धरते हैं तो उसके लिए एक लीगली मतलब मंजूरी लेनी पड़ती है, तो सरकार ने कोई लीगली मंजूरी वहाँ पर दी नहीं है। तो अपनी मर्जी से ही शांतिप्रिय धरना वहाँ पर वो दे रहे हैं, और अभी वहाँ पर भी विराट सर और बाकी लोग रुके हुए हैं। तो आप भी जो जो भाई फौज में भर्ती होना चाहते हैं, फौज से मतलब नहीं, डिफेंस में तीनों ही सब कुछ आ जाता है, तो ज़रूर वहाँ पर धरने में पहुँचें। और शांतिप्रिय धरना होना चाहिए वहाँ पर, कोई भी किसी तरह का कोई किसी चीज़ को, वाहनों को नुकसान या किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं। आगे वीडियो है, उसमें आप खुद देखें कहाँ पे जाना है, राजीव चौक में जाना है या कहाँ पे जाना है, कैसे धरना देना है। तो वो जो भी धरना देना चाहते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कैसे भी अपना योगदान बढ़ाना चाहते हैं, मान लो कोई, मान लो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो अगर मेरे इस वीडियो को कोई 10 लोग भी देखते हैं, 100 लोग भी देखते हैं, तो ये भी तरह का एक तरह का योगदान है। कोई धरना दे करके योगदान दे रहा है, तो कोई इसको शेयर करके योगदान देगा, कोई इसको लाइक करके योगदान देगा। जिस तरह का भी आप योगदान देना चाहते हैं देश के लिए, सेना भर्ती के लिए, ज़रूर योगदान दें। आगे देखें वीडियो। और कल सुबह 10 बजे जरूर मिले। बाकी जितेंद्र सर, आपका क्या ओपिनियन है वो बता दीजिए। बस वही है, मैं आपके साथ हूँ, जब तक डटेंगे आप, जब तक मैं डटूंगा यहाँ पर। और हमारा लक्ष्य है कि आप सभी को वर्दी पहनवाना है। भारत माता की जय। आप सभी सभी शांतिपूर्ण तरीके से आइए, क्योंकि आज भी देखा था शांतिपूर्ण तरीके से नहीं आए तो जितेंद्र सर लट लेके भी खड़े थे। अनुशासन में रहना है, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो लट सह लेंगे, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो लट सह लेंगे, अपन सिर्फ अपनी मांगों पे टिके रहेंगे। ये सुबह जगह और टाइम राजीव चौक का है, विराट सर भी अपने साथ है। सुनिए भाई, सभी को बता दे रहे हैं, पहले तो हमारे बारे में बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि हम चले गए, चले जाने वाले नहीं हम। खाएंगे आज, खाई आज भी तैयार थे, कल भी तैयार रहेंगे। कल सुबह 10 बजे राजीव चौक गेट नंबर 6 मेट्रो, यहाँ से जंतर मंतर ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, जंतर मंतर ही जाएंगे। यहाँ से जंतर मंतर तक सभी एक साथ होके एक साथ चलेंगे, ध्यान रखना, राजीव चौक का 6 नंबर गेट मेट्रो। और अगर आप यहाँ नहीं आते हो तो जंतर मंतर भी आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको जिसको नहीं पता है वो जंतर मंतर, लेकिन कल सुबह 10 बजे हम सभी के सभी एक साथ। अभी तक यही डिसीजन लिया कि क्या होगा, तो कल अगर लाइट या लगी नहीं है, हमारे पास में परमिशन है नहीं, तो जिसको खानी हो वो आ जाना भाई। परमिशन सरकार नहीं दे रही है, सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हमको जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि अगर सरकार परमिशन नहीं देंगे तो क्या हम घर में बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं करना है। सरकार परमिशन दे ना दे, धरना जारी रहेगा। अब हमको तो जगह बता दे कि कहाँ बैठना है, वहाँ नहीं तो दूसरी जगह बता दे, हम वहाँ बैठने के लिए तैयार। सड़कों पे बैठे रहेंगे, सड़कों पे फिजिकल करेंगे भाई। तारीख तो भाई ध्यान रखिए, जब तक हमको तारीख नहीं देंगे, 100% हमको रिजल्ट नहीं देंगे कि इस दिन से आपकी भर्तियां शुरू हो जाएगी या एज में छूट मिलेगी, तब तक हम यहाँ दिल्ली में रहने वाले हैं। हम भी लोगों ने कहा था वाले नहीं है साथियों, लिखित ना दे, जब तक ना बोल दे कि भर्ती आएगी और इस तारीख को आएगी और रिजल्ट इतनी जल्दी आउट होगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। और सुनो भाई, अपडेट का हमने इसी समय का बोला था, इस समय आपको अपडेट दे दिए। अब ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात हमारी पहुंच सके और सभी के सभी आ सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले बता रहे हम, अगर आप अनुशासनहीनता करे और कहीं पे पकड़े गए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। अगर आप अनुशासन में रहे तो हम आपसे पहले पकड़े जाएंगे, ठीक है? जहाँ पे भी आप जाओगे गाड़ी में पहले हम बैठेंगे। और देखिए, हिंदुस्तान के जिस भी कोने से हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो कुछ नहीं होगा। हम सभी टीचर्स लोग आपके साथ हैं, कल सुबह 10 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा। आप जहाँ पर भी डटे हुए हैं, आपको कल सुबह 10 बजे यहाँ पर आना है। ध्यान रखना, रहे संघर्ष है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आप सभी का इंतजार रहेगा, मॉर्निंग में 10 बजे हम सभी आपके साथ है। ध्यान रखना भाई, कल सुबह 10 बजे तुम्हारी मांग है, मैंने पहले बोला था आपको दिल्ली नहीं छोड़ना है। अगर हम खड़े हैं तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा साथ में, अगर आप दिल्ली से भग गए
तो फिर बेटा केवल मोबाइल पे वीडियो देखने से आंदोलन आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जितेंद्र जी, अभी आज का जो व्यू देखा हमने वो वाकई में युवाओं की जो एकता थी, देखो हर आंदोलन में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अभी अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन हमारा ऐलान का टाइम था कि हम शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना कुछ डिक्लेयर करेंगे। अब कल आप लोगों के सब ने रणनीति बनाई, उसी रणनीति के माध्यम से चलेंगे, और पूरे जो लोग इस आंदोलन में नहीं आ पाए कहीं से भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया एक वो तरीका है जिसके माध्यम से इस आवाज को और बुलंद किया जा सकता है। तो जिस प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हो, जिस सर से जुड़े हो, आप उस आवाज को बुलंद करने में अपना अमूल्य योगदान दें, इस आंदोलन में अपनी आहुति देने का प्रयास करें, क्योंकि ये जंग है आपके हकों की, और इस जंग को अगर हम हार गए ना तो मेरी बात सुनो, आपकी आने वाली नस्ल आपको कभी माफ नहीं करेगी, और एक उम्र गुजर जाएगी तो आपको बद्दुआ लगेगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द इस आंदोलन से जुड़िए, अगर नहीं जुड़े तो भी जुड़े, और साथ साथ जो साथी दिल्ली में हैं वापस जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों पीछे मुड़ के देख लीजिए, हम अभी भी आपके लिए हाजिर हैं। और अगर दिल्ली से चले गए तो फिर कोई नहीं रुकेगा भाई, जाने की डिमांड थी कि अकेला जो है वो यहाँ पे रुकना है, हम अकेले नहीं रुक रहे यहाँ पे, ये आप चाह रहे थे कि हम रुके, और अपन ने जब शुरुआत करी थी इन चीजों की तो एक ही बात लेके शुरुआत करी थी कि तब तक नहीं आएंगे जब तक कि अपनी सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ एयरफोर्स वालों की बात नहीं है, ना नेवी वालों की बात है, ना आर्मी वालों, डिफेंस की बात हो रही है, मतलब तुम तीनों आ रहे हो, तो भाई सारे के सारे, चाहे बंदा कहीं भी हो, मैं कह रहा हूँ अगर वो बस पकड़ लिया बस छोड़ भाई सुबह आ जा, और इस बार सुबह आना है तो बहुत तजवीज और तरीके से आना है ना, ताकि अपनी बात मानी जाए, आज की तरह नहीं, बहुत शांति से आना है भाई। ठीक है भाई, आपका इंतजार रहेगा, आज की तरह हो अल्लाह ज्यादा नहीं करना, और कोई दूसरे अभी भी तुमको भड़का रहे हैं तो उनके साथ नहीं जाना है। मैं सीधा बता दिया, रात को आप अपने रहने की व्यवस्था करिए, हम तो अभी भी सड़कों पे, हम आपके लिए पहले बताए थे, अब लाठ ठिकाने हमारे पास में परमिशन मिली नहीं है, लाठ तरीका हमारे पास में यही बचा है, तो हम तो तैयार है, और आपका भी स्वागत है लाठ ठिकाने के लिए, जो भी होगा कल देखा जाएगा, लेकिन 10 बजे पूरा प्रयास किया था भाई परमिशन का, पूरा हमारी ओर से पूरा प्रयास किया गया। मैं सूरज कुमार उत्तराखंड से आया हूँ सर, मैं भर्ती चाहता हूँ जल्दी से भर्ती आए, मैनेजमेंट की भर्ती देते हैं उत्तराखंड में, तो सर 2 साल से आई नहीं और एज जा रही है, इसलिए सर हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी भर्ती हो। तो साथियों कल सुबह सभी को स्थान का नाम बताऊं, जो वापस राजीव चौक 6 नंबर गेट पर आपको आना है, और साथियों ये अपना यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है, दोस्तों देख रहे हैं आप, बहुत सारे बंदे यहाँ पर हैं, कुछ बंदे वहाँ पर सो रहे हैं, वो दोस्तों देख लीजिए आप, ये चल रहे हैं फिर रहे हैं यहाँ पर, सब रोड पे यार, यही है बड़े यार, चार बड़े यार, यही है ना, ये भाई सब इधर आओ, ये देखिए कहाँ छुप रहे आप भाई, सब इधर आओ, नहीं 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 कैमरा में बोलिए क्या बोलना चाहिए, राम सिंह भाई इधर ही हूँ, अरे आप चले गए यार।